आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, या फिर वो आपके कौन कौन से फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी सर। तो फर्स्ट ईयर में आपके चार पेपर होंगे, जो फर्स्ट दो आप लोगों का दो बार एग्जाम होगा, एक फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में। सेकेंड ईयर में कोई एग्जाम वगैरह नहीं है आप लोगों का। तो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में आपके पेपर होंगे। तो फर्स्ट ईयर में चार पेपर होगा आपका, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा वो रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स स्टैटिक्स का, ये कॉमन पेपर होता है। सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में पीजी हैं, तो ये फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है सबका कॉमन होता है। इसीलिए आप ये कॉमन पेपर है, ये रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, ये सबके साथ आप लोगों को पढ़ना है। और जी सर। रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी में बाकी पेपर तो कॉमन होता है, लेकिन थोड़ा सा अद्विया में सारे डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैट का है तो पेपर कॉमन, लेकिन जो अद्विया का जो अप्लाइड पार्ट है, जो अप्लाइड जी पार्ट सर। उसमें, हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कुछ सा उसमें टॉपिक डिफरेंट है, या फिर जब पढ़ाएंगे सर आप लोगों को तो उसमें कवर कर लेंगे इसमें कौन सा अद्विया का है, कौन सा वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि अद्विया वाले को किस पे ज्यादा जोर देना है, मौलिजात वाले को किस पे ज्यादा जोर देना है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि आपको रिसर्च के बारे में एक आइडिया दिया जाता है कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, कि मतलब किस तरह का रिसर्च आपको करना है, लिटरेरी रिसर्च करना है, क्लिनिकल रिसर्च करना है, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है। तो अद्विया वाले को या तो लिटरेरी रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना होता है। तो ज्यादातर जो लोग या अच्छा जो माना जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और उसी तरह जैसे मौलिजात वाले मेडिसिन वाले क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, वो पेशेंट पे ज्यादातर फोकस करते हैं, और हम लोगों का जो ज्यादातर होता है अद्विया वाले का वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि हम एनिमल पे अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मतलब दवाओं की एफिकेसी को देखते हैं कि कोई दवा हमारी एफिकेसी है कि नहीं, या कोई दवा हमारे लिए सेफ्टी है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। तो एनिमल पे जैसे कि लेबोरेटरी एनिमल होता है, माइस होता है या विस्टर राइट होता है, तो उस पर हम अपना रिसर्च करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अभी तक मेडिसिन में ज़्यादातर जो नोबेल प्राइज मिला गया है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही मिला है, कि एनिमल पे, क्योंकि जितना भी एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल साइंस में वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होने की वजह से हुआ है, कि डायरेक्ट हम ह्यूमन बीइंग के पे किसी चीज़ का रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, एनिमल पे करते हैं, फिर देखते हैं उसमें सक्सेस हो रहा है, तो फिर हम उसमें भी अलग अलग है कि पहले हम स्मॉल एनिमल पे करेंगे, फिर उसके बाद उससे जो हाइयर एनिमल होगा उस पर करेंगे, उसके बाद फिर और हाइयर, उसके बाद हाइयर, फिर उसके बाद हम ह्यूमन बींग पे आते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक है विस्टर राइट, एक बहुत ही जो ज़्यादातर जो स्टडी होती है विस्टर राइट पे होती है। विस्टर राइट पे इतना ज्यादा काम हुआ है कि विस्टर राइट पे एक इंस्टीट्यूट ही बना हुआ है। तो जो हम रिसर्च इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिक्स, बस थोड़ा थोड़ा एक हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो इसमें बेसिकली हम रिसर्च क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, कि लिटरेरी रिसर्च है या फिर क्लिनिकल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। फिर उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस बेसिकली आप कोई भी रिसर्च करेंगे तो आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज पार्टिकुलर कोई दवाई फ्लाम मर्ज में इफेक्टिव है, सपोज दैट कि कुर्से तबासीर है, तो आपको ये कुर्से तबासीर डायबिटीज के लिए इफेक्टिव है, हमारे बुक में दिया गया है। तो एक मैंने हाइपोथेसिस बना लिया कि ये कुर्से तबासीर डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, इफेक्टिव है, उसी का फिर हम रिसर्च, ये हाइपोथेसिस है मेरा। फिर उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर फाइनल हम कंक्लूजन करते हैं, देखते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी वो हाइपोथेसिस मेरी सही है या गलत। तो हाइपोथेसिस एक एज्यूम करते हैं, तो उसमें हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद बायोस्टैटिक, बायोस्टैटिक में क्या होता है कि बायोस्टैटिक्स में स्टैटिक्स बेसिकली क्या है, नंबर है। तो बायोस्टैटिक्स जब हम लिविंग थिंग्स पे रिसर्च कर रहे हैं और उसके डाटा को कलेक्शन करते हैं, तो उसी को बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, बेसिकली जो भी डाटा हमको रिसर्च से कलेक्ट हुआ
या फिर जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं उस डाटे का, कि जो हम हाइपोथेसिस बनाए वो हाइपोथेसिस मेरा कैसे, हाइपोथेसिस को हम ये करेंगे प्रूव करेंगे या डिसप्रूव करेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो जो डाटा आपको रिसर्च से कलेक्ट, डाटा आपको मिला, उस डाटा को फिर एनालाइज करना होगा आपको, कि एनालाइज करने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही है या प्रूव हो रहा है या डिसप्रूव हो रहा है। तो बायो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमको डाटा कलेक्शन करना होता है, उस डाटा का एनालिसिस करना होता है। तो डाटा को हम एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होता है बाद में, कि आपको कौन सा टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है या फिर इनोवा टेस्ट लगाना है। तो आपको जब बायो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा कि क्या होता है, कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद फिर आपको जो हाइपोथेसिस अपना बनाया था उसको प्रूफ हो रहा है या डिसप्रूफ हो रहा है। तो ये आप बायो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ये पेपर आपका कॉमन होगा, रिसर्चियोलॉजी और बायो स्टैटिस्टिक्स। जो सेकेंड पेपर आपका है वो कवानीन अदबिया, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी फार्माकोलॉजी। तो ये कवानीन अदबिया का पेपर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ये सेकेंड क्रॉप में पढ़ा होगा ये। तो इसमें जो पीजी लेवल में इसमें डिटेल पढ़ना होता है, कुलियात अदबिया, इसमें आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना है, वो तो यूजी में आपने पढ़ा था, लेकिन टॉपिक मोर लेस वही रहता है जो आपने कुलियात में पढ़ा था, कि मौलिद सलासा क्या होता है, मौलिद सलासा आपने पढ़ा होगा, उसके बाद फिर सोर्स ऑफ ड्रग जो है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मिजाज अदबिया के बारे में पढ़ना है, कि टेम्परामेंट ऑफ द ड्रग्स, फिर मिजाज अदबिया के दर्जात होते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ ड्रग्स, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, पहले दर्जे की दवा, दूसरे दर्जे की दवा, तीसरे दर्जे की दवा, चौथे दर्जे की दवा, ये सब डिटेल आपको पढ़ना है। उसी तरह से डिफरेंट सिस्टम पे दवाओं का क्या इफेक्ट आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे दवाएं किस तरह से एक्ट करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे दवाएं किस तरह से एक्ट करती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे दवाएं, सिस्टम वाइज आपको पढ़ना है कि सिस्टम वाइज दवाएं किस तरह से एक्ट करती हैं। उसी तरह से उसको अस्टाल अदविया के बारे में पढ़ना है, डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स, डिफरेंट डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसी तरह से सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड या गैसियस फॉर्म है, जैसे कि फोर्स है, हब है, ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ना है। उसी तरह से दवाओं का मुद्दत हयात, सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग, जैसे कि हर दवा की पार्टिकुलर, जैसे कि कोई भी आप दवाई लेंगे, खास करके जो कॉन्वेंशनल मेडिसिन का होता है या मॉडर्न मेडिसिन की कोई दवाई होती है, तो सब पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है। उसी तरह से हमारे यूनानी में भी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी जो दवाएं हैं उसको देखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि दवाएं आपने कलेक्ट किया और इसको स्टोर कर रखा और वो लाइफ लॉन्ग वो इफेक्टिव होगा, धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के बाद उसकी जो एफिकेसी होती है वो कम होने लगती है। तो सबकी एक सेल्फ लाइफ होती है, एक मुद्दत हयात होती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह से मसाले के अदविया, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूनानी में आपको किस तरह से कौन कौन से रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ओरली दे सकते हैं, ओरल रूट से दे सकते हैं या फिर दूसरे और किस किस रूट से आप दवाएं दे सकते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह से अब नेक्स्ट जो पेपर है वो इल्मुल वस्फुल अकाकीर, फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ना है। सर जो है ये कानून अदवी, हाँ बोलिए सर, कवानीन अदविया के लिए जो है कौन सी बुक अच्छी रहेगी हम लोग को पढ़ने के लिए? अच्छा, कवानीन अदविया को हम लोग तफसीली तौर पर पढ़ने के लिए कौन सी बुक हम लोग पढ़ेंगे? कवानीन अदविया के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा था बुक, तो आप जो टीचर हैं तुम्हारे जो पढ़ाएंगे अनस साहब, डॉक्टर अनस साहब, वो बताएंगे। तो लेकिन हम लोगों ने जो कवानीन अदविया पढ़ा था, अच्छा कवानीन अदविया बोल रहे हैं, तो महफूज से पेपर सेकेंड ना, ये महफूज साहब बताएंगे। जी जी जी, ये माफूर साहब बताएंगे उसके बारे में डिटेल, कि कौन सी बुक पढ़ना है, उनसे पूछिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसी में फोकस किया था, लेकिन और भी कई सारी बुक थी वहाँ पे, लेकिन तौजीहात कुल्लियात अदविया पे फोकस किया। तो उसमें तौजीहात कुल्लियात अदविया से तो थोड़ा बहुत हेल्प लिया था, उसके बाद फिर
और जो नेट वगैरह से देखा था कि उसमें क्या और एडवांसमेंट हो सकता है, जैसे कि कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, या फिर जो क्लासिकल लिटरेचर की बुक्स है उससे हम लोगों ने लिया था कि अल्फानून से कुछ मिल गया, कुछ दूसरे बुक से मिल गया, इस तरह जी सर, से। नेक्स्ट अच्छा जी, जो जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका है इल्मुल वस्तुल अकाकीर, फॉर्म कोग्नोसी। तो फॉर्म कोग्नोसी में बेसिकली ये क्या है कि ए ब्रांच ऑफ जी फार्माकोग्नोसी के बारे में, द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद मेडिसिनल ड्रग्स ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर नेचुरल सोर्सेस। जो और जो प्लांट ड्रग्स या नेचुरल ओरिजिन की जो ड्रग्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक लेवल पे स्टडी करते हैं। तो ये थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी में, और जो हम लोग जो पढ़ते हैं इससे मुफ्तात वगैरह भी पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफर है, तो वही चीजें सारी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि इसका जो साइंटिफिक अप्रोच से मॉडर्न मॉडर्न वाला अप्रोच होता है फार्माकोग्नोसी में, इसमें भी हम क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, जो नेचुरल सोर्स जो है उसी के बारे में स्टडी करते हैं इसमें भी, फार्माकोग्नोसी में भी। तो फार्माकोग्नोसी में हम जो पढ़ते हैं तो एक तो फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है उसके बारे में पढ़ते हैं, मेथड यूज टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे को कलेक्शन करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर डिफरेंट जो सिस्टम होता है उसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी और भोगनोसी में। उसी की तरह आपको जैसे कि इस तरह से अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स कौन कौन सी है, जैसे कि कुचला है, सुरंजान है, उसी तरह से ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स कौन कौन सी है, या जो आपको फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स कौन कौन सी है, या फिर वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स कौन कौन सी, इस तरह से हम पढ़ते जी हैं। सर, उसी तरह से जो एनिमल ओरिजिन के ड्रग्स है, सदफ है, मरवारी है, मरजान है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो और जो फोर्थ पेपर होगा आपका वो फार्माकोलॉजी का होगा। फार्माकोलॉजी में आपको जनरल फार्माकोलॉजी सिस्टमिक एंड अभी एक्स बताए हैं फार्माकोलॉजी में मतलब अल्कलॉइड्स वाले ड्रग्स और ये सब, तो हम लोग तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है कि बायोस्टैट पढ़ते हैं या फिर नहीं, ये फार्माकोग्नोसी वो तो मॉडर्न का पढ़ते हैं, तो उसमें कैसे आएगा सर ये हमारा ड्रग सब, मतलब उसमें मेंशन किया फार्माकोग्नोसी होगा क्या? भी आपको जो पढ़ना है ना तो वो तो आपके सिलेबस देखेगा। नहीं, फार्माको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी, फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। तो जैसे आप बताए ना सर कि अब अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग को हम लोग को मालूम करना है, या फिर आके ये इसी तरह ग्लाइकोजन में कितना है, कौन से ड्रग में, तो हम ये बुक तो हम लोग मॉडर्न की पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं नहीं मॉडर्न वाली बुक में नहीं नहीं हमारी ये अभी रिसर्च की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपको ये सब पढ़ना है, जैसे कि अल्कलॉइड कंटेनिंग। फार्माकोग्नोसी बोल रहे हैं सर, फार्माकोग्नोसी का मॉडर्न पढ़ते हैं ना सर हम लोग, हाँ, मॉडर्न, हाँ, मॉडर्न पढ़ते हैं। तो फिर ये सब ड्रग कैसे आएगा सर, वो सब ड्रग के बारे में हम लोग को कैसे मालूम चलेगा फार्माकोग्नोसी का, हमारा यूनानी ड्रग के बारे में? ये बुक में दिया हुआ ये डिटेल है वो। अच्छा, आपको कोई ड्रग है, जैसे कि आपने, आपको ड्रग सुरंजान है, ठीक है, या कुचला है, ये अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग, या रेवनचिन या सनामकी। आप बुक में जब मॉडर्न की बुक पढ़ेंगे तो आपको जो सनामकी की जो है वो आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा फार्माकोग्नोसी की बुक में, या कुचला है, स्ट्रकनस नक्स होमिका करके आपको जो टॉपिक मिलेगा उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको मुफरदात से नहीं पढ़ना है, जैसे कि ओके सर, आप ओके सर, मुफरदात में जैसे कुचला के बारे में आपका दिया हुआ है कि उसके माहियत क्या है, उसका मिजाज क्या है, उससे उसमें तो बहुत कम दिया हुआ है। आप जब मॉडर्न की बुक पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी की, आप कुचला या स्ट्रकनस नक्स होमिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसका आपको डिटेल पढ़ना है, वो आपको मॉडर्न के बुक में मिल जाएगा पूरा। सर मॉडर्न में तो सर केटी त्रिपाठी ही नहीं पढ़ना है, क्या चीज? केटी त्रिपाठी जो है वो वही ना पढ़ना फार्माकोलॉजी की है। वो फार्माकोलॉजी की है, ये फार्माकोग्नोसी की बात कर रहा हूँ, केडी त्रिपाठी की जो है जी फार्माकोलॉजी की। जी सर, जी सर, ओके ओके सर, ये नेक्स्ट जो पेपर होगा जनरल फार्माकोलॉजी का होगा, पेपर फोर्थ। तो इसमें जनरल फार्माकोलॉजी की पढ़ना है, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पढ़ना है, और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी पढ़ना है। तो जनरल फार्माकोलॉजी में आपको जो पढ़ना है, एक तो जी इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, फिर फार्माकोग्नोसी क्या, ये सब टर्मिनोलॉजी इसको पढ़ना है आपको,
फार्माकोमोसी क्या होता है, फार्मेसी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फिर मॉडर्न में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, जैसे कि ओरल रूट, ओरोफेकल रूट है, उसी तरह से पैरेंटल। हाँ बोलिए, बोलना ये चाह रहा है कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जो है जो हम पढ़ेंगे तो फार्माकोजी की, इसमें जो है या फार्माकोलॉजी या ये बस जो टर्मिनोलॉजी के बहुत लंबा चैप्टर है, तफसीली तौर पर है वो डिटेल पढ़ेंगे, या इंट्रोडक्शन में बस आपको थोड़ा सा हल्का सा बताया जाएगा क्या है, ठीक है, वो फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स फिर अलग से आएगा अभी। उसी तरह से रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिफरेंट रूट्स बताया जाएगा कि मॉडर्न में कौन कौन से रूट्स हैं, ओरोफेकल रूट है, पैरेंटल रूट है, पैरेंटल रूट में क्या है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राकार्डियक, इंट्राऑसियस, डिफरेंट रूट्स है, उसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। उसी तरह से जी सर, फिर अब फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे आप पूछ रहे थे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि आपको व्हाट डज द बॉडी टू द ड्रग्स, बॉडी ड्रग्स पे क्या एक्ट करती है, बॉडी ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स में डिफरेंस ये है कि फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन करती है, यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स बॉडी ड्रग पे क्या एक्शन करती है, जैसे कि आपको ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, और फार्माकोडायनेमिक्स में फिर उसका एक्शन क्या होता है, जो ड्रग्स का एक्शन है वो किस तरह से होगा, उसी में ड्रग रिसेप्टर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम फार्माकोविजिलेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कि फार्माकोविजिलेंस में दवाओं का, जैसे कि सडन अगर किसी दवा का अगर रिएक्शन हो गया, अनवांटेड, पहले से पता नहीं है और रिएक्शन हो गया, तो वो फार्माकोडायनेमिक्स में आता है, तो ड्रग इंटरेक्शन कैसे होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे क्या होता है, रिपोर्टिंग एडीआर में कैसे रिपोर्ट करते हैं, उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का क्या प्रिंसिपल्स है, कोई भी दवा अगर बहुत दिनों तक खा लिया या किसी दवा की जो टॉक्सिसिटी होती है किस तरह से होती है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में डिफरेंट सिस्टम पे दवाएं, जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे दवाएं एक्ट करती हैं, कौन कौन सी दवाएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कौन कौन सी दवाएं एक्ट करती हैं, किस तरह से करती हैं। लास्ट में मिसलेनियस है, डायबिटिक्स, नेसेट्स, ड्रग्स यूज इन पेप्टिक अल्सर, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आप लोगों को जो रिसर्च से जो रिलेटेड ज्यादा है वो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी है। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी आपको एनिमल पे आपको ड्रग की टेस्टिंग करनी होती है, तो उसमें कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि माइस है, रैट है, विस्टर रैट है, उसी तरह से रैबिट है, तो उसके बारे में आपको उसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक्सपेरिमेंटल यूजेज किस किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से रिसर्च के लिए किस एनिमल को हमको चूज करना है, ये सब हमको आपको डिटेल पढ़ना है, कि आपको माइस के बारे में डिटेल पढ़ना है, विस्टर रैट के बारे में डिटेल पढ़ना है, उसी तरह से रैबिट के बारे में पढ़ना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और एंड एक्सपेरिमेंटल यूजेज और एक्सपेरिमेंटल क्या क्या यूज होगा उसके बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्स, कौन कौन से फैक्टर ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदड्रॉल ऑफ ब्लड सैंपल्स एनिमल पे, आपको माइस में सपोज दैट या रैट से आपको ब्लड का कलेक्शन करना है, तो ह्यूमन बीइंग से तो आपको ब्लड वैन में आपको क्रिक करके आपको ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं, आपको जब रिसर्च करेंगे तो आपको माइस में या फिर आप रैट में कैसे आपको ब्लड का कलेक्शन करेंगे, ब्लड कहाँ से निकालना है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कि कहाँ एनिमल भी आपको कोई हार्म नहीं हो एनिमल को, और उसे आप सैंपल भी कलेक्ट कर लें, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवाएं एनिमल को किस तरह से दवाएं खिलानी है, किस तरह से दवाएं देनी है, जैसे कि आपको रैबिट पे रिसर्च करना है या फिर मंकी पे करना है या फिर रैट पे करना है या माइस पे करना है, तो ज्यादातर जो हम लोगों के इसमें होता है छोटे एनिमल पे ही करते हैं, माइस पे या फिर रैट पे करते हैं, या कभी कभी कहीं कहीं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है जिसमें गिनी पिग वगैरह लिया जाता है, तो इस पे आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको दवाई देनी है, जैसे अपना को भी आप रिसर्च करें किसी भी एनिमल पे, तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, तो उसको अपनी दवाई किस तरह से उसको देना है,
उससे बारे में आपको ओरल कैसे देंगे या आईवी रूट से किस तरह से देंगे, ब्लड का सैंपल अगर सैंपल कलेक्शन करना हो, ब्लड का सैंपल या यूरिन का सैंपल तो कैसे कलेक्ट करेंगे, डोज कन्वर्जन फैक्टर्स। डोज कन्वर्जन फैक्टर्स में हम क्या होता है कि हम कैसे एनिमल को, जैसे कि हमको तो पता है सपोज दैट किसी भी दवा का डोज जो है हमको दिया हुआ है कि ह्यूमन पे दिया हुआ है, जो हमारे बुक में क्लासिकल बुक में जो मेंशन है कि कोई भी दवा जैसे कि धतूरा ले लो या फिर कुचला ले लो या कोई भी दवा असरोल ले लो, तो बुक में हमारे मेंशन है कि इतनी उसकी डोज होगी, इतना ग्राम या इतना मिलीग्राम, ये ह्यूमन पे दिया जा सकता है, इंसान पे दिया जा सकता है, एडल्ट इंसान पे। लेकिन हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम अपना रिसर्च जब कर रहे हैं एनिमल पे, तो एनिमल पे कैसे डोज को हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, रैट के लिए अलग होता है या माइस के लिए अलग होता है, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डोज कन्वर्शन, ये अपने मन से तो नहीं दे देंगे ना कि जितना दिल किया कि हम एनिमल को जितना चाहे उतना हम दवाई खिला देंगे, उस तरह से नहीं होता है, उसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से हम कन्वर्ट करके उसको देते हैं। वैकल्स फॉर एनिमल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो भी आप दवाएं देंगे तो उसके साथ आप दवाओं के साथ क्या मिक्स करेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। आइसोलेटेड टिश्यू प्रिपरेशन, जब आप किसी एनिमल पे नहीं करके आप किसी पार्टिकुलर टिश्यू पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो कैसे उस टिश्यू को प्रिपेयर करेंगे। मेथड्स ऑफ रेंडरिंग द एनिमल अनकॉन्शियस, आपको किसी दवा का एनिमल कैसे अनकॉन्शियस करना है, बेहोश करना है। सपोज आपके रिसर्च में कुछ ऐसा रिसर्च डिजाइन में कुछ ऐसा है कि आपको एनिमल को बेहोश करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप किस तरह से बेहोश करेंगे, जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है, जो बेहोशी की जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी होंगी, कितना डोज में देना है, कैसे देना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनेस्थेटिक यूज्ड इन लैब एनिमल्स, एनेस्थेटिक जो ड्रग्स है, जो एनेस्थेटिक ड्रग है उसको कौन कौन से ड्रग्स है और किस 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 तरह से जो लेबोरेटरी एनिमल होता है किस तरह से दिया जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग एंड केमिकल्स, और फिर नेक्स्ट चैप्टर बायो एसे। बायो एसे जब हम लिविंग थिंग्स पे किसी चीज का हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो या तो वो इनविट्रो भी हो सकता है या इनविवो भी हो सकता है। इनविट्रो जब हम की बॉडी से या लिविंग थिंग्स से अलग करके हम जब उसको करते हैं तो इनविट्रो टेस्ट ट्यूब में या बाहर बॉडी से बाहर करते हैं तो इनविट्रो आता है। बॉडी के अंदर जैसे कि होल एनिमल पे आपको रिसर्च करना है, रैट के ऊपर आपने दवाई दे दिया उसका इफेक्ट देखना है तो इन वीवो होगा, तो उसको बायो एसे में स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, डिजाइनिंग टाइप ये सब उसमें पढ़ेंगे। ड्रग स्क्रीनिंग, ड्रग स्क्रीनिंग में सिंपल प्रोग्राम द ब्लाइंड स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद न्यूरोफार्माकोलॉजिकल स्टडीज, फिर अलग अलग स्टडी हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, एक तो न्यूरोफार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी स्टडीज कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी स्टडीज में क्या होगा कि आपको टॉक्सिसिटी स्टडीज, कोई भी दवा हम खा रहे हैं तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसकी स्टडीज कर सकते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी अपना फौरन कोई दवाई है उसकी एक्यूट सडन आप मतलब उसकी कितनी टॉक्सिसिटी हो रही है या कितने डोज पे वो दवा टॉक्सिक हो जाती है वो एक्यूट कर सकते हैं, सब एक्यूट कर सकते हैं। लंबे टॉक्सिसिटी अगर लंबी स्टडीज करना है तो उसमें क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी चूज करते हैं। उसी तरह से एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी, हम किसी दवा का हमको देखना है कि वो एंटी कन्वर्जेंट दौरे में, कन्वर्जन मतलब दौरा, कोई दवा कन्वर्जन में मुफीद है कि नहीं, कोई भी ड्रग्स जो है अगर कहीं कन्वर्जन हो रहा है दौरा पड़ रहा है तो हम देखेंगे यू ना जो हमारी दवा है वो एंटी कन्वर्जेंट है कि नहीं, दौरे को रोक पाती है कि नहीं रोक पाती, तो उसकी स्टडी करेंगे। उसी तरह से एनाल्जेसिक स्टडी, कोई दवा हमारे पेन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, जो हमारे बुक में मेंशन है कि ये दवाएं हमारे लिए एनाल्जेसिक एक्टिविटी है।